What's up guys? Welcome back to another episode. You are watching AS Vlogs DNK. So guys, आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है. तो ये वीडियो बाइक कंफर्ट रिलेटेड वीडियो है. तो मेरे ख्याल से बजाज का हाइड्रोलिक थोड़ा हार्ड लगता है मेरे ख्याल से. तो मेरे पास बजाज के दो तीन बाइक है. मेरे पास पल्सर है, CT 100 है, पल्सर NS 200 है. तो मेरे को लगता है बजाज का हाइड्रोलिक थोड़ा हार्ड है. तो गाइस, मैं जहाँ पर रहता हूँ वो पोपट टाउनशिप नहीं है, टोटल विलेज एरिया है. तो यही का जो रोड है बहुत खराब होता है, गड्ढा बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए मेरे को लगा बजाज का हाइड्रोलिक थोड़ा हार्ड है. मैं सिंगल में राइड करता हूँ तो अच्छे तरीके से हाइड्रोलिक नहीं काम करता, ठीक है, बहुत हार्ड होता है. दो तीन बिठाने से काम हो जाता. तो मेरे को लगता है हीरो का जो हाइड्रोलिक है, हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो हाइड्रोलिक है वो बहुत अच्छा है. मेरे एक दोस्त है, मेरे दोस्त के पास सुपर स्प्लेंडर बाइक है हीरो का, जो मैं राइड किया तो मेरे को बहुत सॉफ्ट सा फीलिंग लगा, बहुत हाइड्रोलिक बहुत अच्छा लगा. तो गाइस, मेरे पहले से एक प्लान था जो हीरो सुपर स्प्लेंडर में जो हाइड्रोलिक आता है पीछे का, रियर का सस्पेंशन आता है, वो बजाज में हम इंस्टॉल करूंगा. वो होगा कि नहीं होगा तो आप वीडियो में देखिए. तो ठीक है, चलिए बातें नहीं बढ़ाएंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, आप देख पा रहे हो ये है बजाज CT 100 BS4 मॉडल. ये 100cc का बाइक है. तो गाइस, मेरे ख्याल से ये जो पीछे का जो सस्पेंशन है तो उतना अच्छा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये जो जो विलेज एरिया है, आप जानते हो विलेज एरिया का जो रोड होता है इधर बहुत गड्ढे होता है, रोड अच्छा नहीं होता है तो बहुत गड्ढे होते हैं. इसलिए ये जो हाइड्रोलिक है, ये जो सस्पेंशन है पीछे का, ये बहुत हार्ड है बजाज का, मेरे ख्याल से यही लगता है. तो गाइस, मेरे पहले से ही प्लान था जो सुपर स्प्लेंडर, जो हीरो का जो सुपर स्प्लेंडर बाइक आता है उसका जो पीछे का रियर का जो सस्पेंशन आता है वही इसमें इंस्टॉल करूंगा. क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास सुपर स्प्लेंडर बाइक है, वो मैं विलेज एरिया में राइड किया, उसका सस्पेंशन मेरे को बहुत सॉफ्ट लगा. तो सिंगल राइड में ही मेरे को बहुत सॉफ्ट सा फील हुआ, इसीलिए सुपर स्प्लेंडर को जो सस्पेंशन आता है वो इसमें हम इंस्टॉल करेंगे. तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं सुपर स्प्लेंडर का सस्पेंशन इसी बाइक में. तो ये देखिए हीरो का, हीरो सुपर स्प्लेंडर का सस्पेंशन, रियर का पीछे का सस्पेंशन. तो चलिए अनबॉक्स करते. प्रीतम भाई, पुकू भाई, ये ओपन करो. ये देखिए और एक बॉक्स है, ये है, ये देखिए आप देख सकते हैं हीरो का, हीरो जो सुपर स्प्लेंडर, इसी का ये रियर का सस्पेंशन है. तो ये इंस्टॉल करेंगे. तो चलिए, इंस्टॉल करने में उतना कुछ टूल नहीं लगता, एक रेंज लगता है. तो ये जो बाइक का जो ओरिजिनल गाड़ी से फिटिंग होता है जो हाइड्रोलिक है, तो उसके पहले ओपन करना पड़ेगा. तो प्रीतम भाई ओपन करो. पहले से ही हम नट को लूज करके रखा था, तो आप देख सकते हैं बस एक साइड हो गया, दूसरा साइड जाना होगा. तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है वो जोर से हिट कर देना गाइस. और वीडियो कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, और शेयर करना मत भूलना. बस हो गया, थोड़ा आगे पीछे करो. बस निकल गया. तो चलिए, तो गाइस अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे ये जो नीचे का दो सॉकेट है, ये जो दो सॉकेट है ये आपको अलग से खरीदना पड़ेगा. तो जो ओरिजिनल इसमें सॉकेट आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो आप जब इसमें यो फिट करेंगे नट के साथ वो लूज होगा, वो ढीला हो जाएगा, ढीला हो जाएगा. तो पहले से ही ये जो सॉकेट होता है तो आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा. ये सॉकेट इसमें आप फिट कर देंगे, तो फिट करने के बाद आप जब फिटिंग करोगे तो टाइट हो जाएगा, ठीक है, ये गौर से. तो चलिए, ये जो सस्पेंशन है वो CT 100 में फिट करते हैं. Yes, आ जाओ. बहुत तेज हो रहे हो. तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना गाइस, और वीडियो कैसे लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना. तो गाइस, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है वो जोर से हिट कर देना, और गाइस शेयर करना मत भूलिए. बस लगभग एक हो गया, थोड़ा 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 ऊपर 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 करो, थोड़ा नीचे नीचे पुश कर. बस हो गया, टाइट कर दे, टाइट कर दे. तो गाइज, अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है उसको जोर से हिट कर देना. फाइनल टाइट कर दे भाई एक बार.
बस टाइट कर दे। तो एक साइड हो गया, दूसरा साइड फिट करते हैं। फिटिंग करने में इतना परेशानी नहीं होगा, अच्छे से ही फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, लो फ्रेंड्स हो गया। तो फाइनल वाला टाइट कर देते हैं। पीतम भाई फाइनल टाइट कर दो। क्या हुआ बोल? ये भाई आ गया एक अवतार, भाई देख पा रहे हो 220 लेके आ गया भाई। इसका हाइट देखो और भाई 220 लेके आ गया। हंस देना भाई, एक स्माइल कर दे भाई। हाँ बस पूरा फिटिंग हो गया। तो गाइस आप देख लीजिए एक बार लुक कैसे लगता है, बहुत सेक्सी लुक लगता है। आपको पता ही नहीं चलेगा ये कंपनी फिटिंग है कि आप अलग से कस्टमाइज किया। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फुगू भाई इसको प्रेस करो, देखिए हल्का से प्रेस करने से ही कितना अच्छा वो खेलता है, बहुत सॉफ्ट सा फील होता है। अब देख लीजिए। तो चलिए, तो गाइज अभी तो रोड में चल के नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी छोटा सा एक डेमो दिखाता हूँ। पीतम भाई बैठिए और उसके साथ अजराफुल भाई आप बैठिए ना, आप बैठिए। अब देखिए कितने अच्छे से। अजराफुल भाई आपका पैर थोड़ा पीछे कीजिए। हाँ आप थोड़ा झिकझक करिए। अब देखिए कितने अच्छे से खेलता है, देखा आपने, बहुत अच्छे से खेलता है। अब देखिए कितने, तो गाइस आप देखिए सिंगल में ही कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे रही है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट फील होता है। तो गाइस ये हाइड्रोलिक लगाने से आपका बाइक थोड़ा हाइट हो जाएगा, इसलिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो मेन स्टैंड है बाइक का वो अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको दिखाता हूँ, फुगू भाई स्टैंड दीजिए। ये देखिए अच्छे से काम नहीं करेगा। इसका एक उपाय है, आपको बोल देता हूँ, ये जो स्टैंड है इसके स्टैंड के नीचे एक छोटा सा पाती है, आप ऐड कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।